जय जोहार संगवारी हो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पति और सौत का जो भी रिलेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताऊंगा दोस्तों, तो मंत्र सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान वीर बैताल साथ लावे। मेरी सौत अमुक से पति को छुड़ावे, उच्चाटन करे करावे। मुझे वेग पति मिले मेरा कारज, सिद्ध न करे तो राजा राम की दुहाई। यह मंत्र है। तो इसका प्रयोग जो है दोस्तों जब किया जाता है, जब पति किसी अन्य स्त्री के जाल में फंस गया हो और पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हो, तब उस प्राय स्त्री के जाल से पति को मुक्त करने के और अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए यह प्रयोग को किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रयोग से जो है दोस्तों पति और उसमें भयंकर जो है लड़ाई हो जाती है और वह बहुत समय एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसे करना कैसे है, तो ठीक है, सामने आपको सियार सिंगी जो रहता है उसे रख देना है और उसके सामने ही आपको हकीक के जो पत्थर रहता है वह रख देना है, हकीक पत्थर को। और एक पत्थर पर आपको पति का नाम लिखना है और दूसरे पत्थर पर उस स्त्री का नाम लिख देना है। फिर उस मंत्र से जो मैं मंत्र आपको बताया उस मंत्र से आपको मात्र 5000 बार जप करना है और बाद में जिस हकीक पत्थर पर स्त्री का नाम लिखा है उस पत्थर को सुनसान स्थान पर जैसे है तो वहाँ पर जमीन में आपको गाड़ देना है। और जिस पत्थर पर पति का नाम लिखा है वह पत्थर सियार सिंह के साथ अपने जो है संदूक में रख देना है। इस प्रकार करने से दोस्तों जो है सौत से जो है छुटकारा मिल जाता है और पति का उस स्त्री से जो है भयंकर झगड़ा होता है और भविष्य में उनमें से किसी प्रकार की कोई संबंध नहीं रहता है दोस्तों। तो मंत्र एक बार और सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम अंजनी पुत्र पवनसुत हनुमान वीर बैताल साथ लावे। मेरी सौत अमुक से पति को छुड़ावे, उच्चाटन करे करावे। मुझे वेग पति मिले मेरा कार्य सिद्ध न करे तो राजा राम की दुहाई। तो अमुक के स्थान पर दोस्तों उस स्त्री का नाम लिखना है। ठीक है,